बनाए जैन साहब। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी और जापान की इतफाक है कि इस बार मैं जापानीज एनएमएनसीज को ज्यादा रेकमेंड कर रहा हूँ। पैनासोनिक एनर्जी भी एक किया था, पैनासोनिक कार्बन, अब ये होंडा इंडिया पावर है जो कि होंडा मोटर कंपनी की एक सब्सिडियरी है और 1985 से ये कंपनी कार्यरत है और अनडिस्प्यूटेड लीडर है ये पावर प्रोडक्ट्स में। इंडिया में होंडा सीएल के नाम से जाना जाता था। पोर्टेबल जनरेटर्स में तो एक्चुअली एक तरीके से बहुत ही बड़ा नामचीना ब्रांड है। वाटर पंप्स बनाती है, टिलर्स बनाती है और जनरल पर्पज इंजन बनाती है। तो ये वाटर टिलर्स और वाटर पंप्स, ये जब नाम आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो एग्री वाली जो थीम है इंडिया की उसके साथ और रूरल थीम के साथ भी इस कंपनी को हम रिलेट कर पाते हैं। और बहुत सारे लॉन मोवर्स और ब्रश कटर्स और ये सब बनाती है जो कि कई बार मैं वीएससी टिलर्स भी देता हूं, तो उससे से रिलेटेड कुछ वैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स ये लोग भी बनाते हैं जो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स जिनको हम बोल सकते हैं। सो ओवरऑल पावर एक अच्छी पावर प्रोडक्ट कंपनी, इंडिया की नंबर वन पावर प्रोडक्ट्स कंपनी है। अब हम जो दूसरी बात करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स की। एक बढ़िया एमएनसी ब्रांड और एक सस्ता मतलब बहुत नामचीना ब्रांड, मतलब हाउसहोल्ड ब्रांड भी बोल सकते हैं और हर जगह जिनको देख सकते हैं हम, वो अगर जीरो डेट कंपनी है और 16 के पी मल्टीपल पे मिलती है तो मुझे बहुत सस्ता लगता है। और सबसे बढ़िया बात है ये दिसंबर 2016 में ये कंपनी जब यहाँ की साइज से आधी थी तब इसके भाव 1.5 थे, तो मतलब 1700 रुपए का हाइज इसने लाइफ टाइम दिखाया हुआ स्टॉक ने। और सबसे बढ़िया बात यह है कि छोटी इक्विटी है, 10 करोड़ की इक्विटी है, डिविडेंड ठीक ठाक देते हैं, जीरो डेट कंपनी है, पिछले 7-8 साल में 10-12% की कैगर से ग्रो कर रहे हैं, सेल्स 7-8% से ग्रो करती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो पिछले 4 क्वार्टर है जिनको मैं बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं, लाजमी है कि लास्ट जून तो हल्का ही गया है, 7 करोड़ का लॉस था लास्ट जून में, बट इस जून में 20 करोड़ का पैट है। तो ओवरऑल पिछले 4 क्वार्टर में बहुत बेहतरीन कमाया, ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे वन ऑफ द बेस्ट इयर्स गया कंपनी का, 76 करोड़ का पैट रहा है जो कि हिस्टोरिकली टीटीएम बेसिस पे वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए इन लेवल्स पे। और डीआईआईज एफआईआईज ये लोग भी अच्छे खासे इन्वेस्टेड है, करीब 11-12% डीआईआईज एफआईआईज का है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को लें। और प्रोमोटर्स की 67% अच्छी स्ट्रॉन्ग इक्विटी है, तो आराम से स्टॉक को 1390-1430 के टारगेट के लिए ले। मैंने ये स्टॉक रिकमेंड भी किया था 1100-1100 के लेवल्स में, दूसरे सेगमेंट में किया था, तो वहां से अच्छे खासे लेवल्स में अभी भी है। मार्केट बहुत चल चुकी है बट ये स्टॉक कंसोलिडेट करके धीरे चलता है, बट देता स्पाइक है, एक कोई भी दिन बड़ी स्पाइक देगा उस दिन बड़े पैसे बनते हैं, बड़े ऑर्डर्स आते हैं तब ये निकलता है स्टॉक। सो मेरे हिसाब से स्टॉक को ले 1390-1430 के लिए। ओके, 1390-1430 के लेवल्स के लिए खरीदारी करें होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स, ये है आपके लिए जैन साहब की राय, जैन स्टॉक उनकी तरफ से आता हुआ। कैश का ऑप्शन, चलते हैं सुमित जी के पास।